हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल मोमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निजाम खान में दोस्तों आपका स्वागत है। इस वक्त मैं चार बंगले पे आया हूँ, एक बॉलीवुड के एक्टिंग क्लासेस। जी हाँ, ये क्लासेस जो है ये चार बंगले में शारिक हॉल, जहाँ पे गणेश आचार्य के गानों की, फिल्मों की रिहर्सल, गानों की रिहर्सल होती रहती है दोस्तों। तो ये शारिक हॉल से आगे आके तीसरी गली में लेफ़्ट साइड में एक्टिंग क्लासेस है, जहाँ पे अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ। और ये जो अभी शारिक हॉल दिखाया है, यहाँ पे बड़े बड़े फिल्मों की, गानों की रिहर्सल होती रहती है, अभी भी होती है। और डांसर वगैरह आते हैं यहाँ पे, रिहर्सल करते हैं। तो दोस्तों ये जो एक्टिंग क्लासेस है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, जिसका नाम है ABSS, ये ठीक मुंबई शहर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, अंधेरी वेस्ट में चार बंगलों के पास में। आप जैसे ही चार बंगले के पास में आएंगे, वहाँ से आप टेलीफोन एक्सचेंज से राइट लीजिए। इस वक्त मैं बॉलीवुड के एक ऐसे वर्कशॉप पे बैठा हूँ जिसको सिखाने वाले हमारे दोस्त राजेंद्र जी हैं और ये सारे स्टूडेंट वगैरह हैं। आज दोस्तों, आज आपको मेरे चैनल पे ये सारे लोग दिख रहे हैं, कल आपको बॉलीवुड में नजर आएंगे और बड़े बड़े काम करते हुए नजर आएंगे। बस वक्त का इंतज़ार कीजिए, जैसे हर आदमी जो है अपने रिजल्ट का इंतज़ार करता है। तो मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में भाई आप लोगों में से कोई है जो बोल सकता है? क्या नाम आपका? अंजू। अंजू, सो फ्रेंड्स, बॉलीवुड की नई नई और ताज़ा खबरों के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं, उनसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो निजाम खान जी के चैनल से जुड़िए, उनकी वीडियोस देखिए। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी वीडियोस, बहुत ही लेटेस्ट वीडियोस बॉलीवुड के बारे में उनके चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो आई होप आप उनके चैनल से जुड़ेंगे। स्टे ट्यून विद हिज चैनल एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो, एंड ऑल्सो मोटिवेट अस। इफ वी विल सी योर वीडियो, वी विल ऑल्सो बी मोटिवेटेड। And thank you and keep watching, keep tuned with his channel. Thank you. Very nice. बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया। बेहतरीन अदाकारों की यही खूबी होती है कि वो किसी भी काम को फटाफट अंजाम दे देते हैं। आज ये इन्हीं ने हमारे चैनल के बारे में बोला है, कल ये बॉलीवुड के बारे में हर खबर बताएंगे। निजाम खान की ये कॉल है, याद रखिए दोस्तों, कोई भी काम, कोई भी स्टार छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। तो दोस्तों लेट्स सी, आप सब लोग मेरे साथ में मेरे चैनल का नाम रिपीट करना चाहेंगे? ओके, लेट्स सी, मोमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निजाम खान। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। खुदा आप लोग को सलामत रखे, खुशहाल रखे, हर बीमारी, हर गम से, तकलीफ से दूर रखे। आप लोग अपने काम को अंजाम दीजिए और 25 तारीख को जो आराम नगर में शो होने वाला है, उसकी आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी रिहर्सल कर रहे हैं। मैंने कुछ रिहर्सल वगैरह भी ली है और मैंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए जो मैं अभी दिखाऊंगा। तो ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय। तो ये है हमारे राजेंद्र जी। हेलो, नमस्कार जी सर। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों मैं आज आपको राजेंद्र जी से मिला रहा हूँ और ये इस वक्त फिल्मी जगत में एक्टिंग इंस्टीट्यूट इन्हें खोल के रखा है, जिसके अंदर इनके जो है बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस यहाँ पे आके जो है इनसे सीखते हैं, इनके वर्कशॉप पे। और सीखने के बाद जो है उनको उनकी किस्मत के हिसाब से ऊपर वाला जैसा काम देता है, तो वो इनका आशीर्वाद उनके साथ में रहता है। तो मैं ये चाहूँगा कि राजेंद्र जी आपसे मिले और मिलकर बड़ी खुशी हुई मुझे भी और बहुत अच्छा लगा। आज मैं आपके ऑफिस में बैठा हूँ भाई, आपकी छत पे आया मैं ऊपर। बड़ा अच्छा आपने वर्कशॉप बना रखा है और अभी मैंने वर्कशॉप में देखा कि कुछ एक प्ले की आप रिहर्सल भी चालू है। जी हाँ। तो पहला सवाल मेरा राजेंद्र जी आपसे ये है कि आप हमारे भाई दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं और एक टाइम पे हमारे राजेंद्र जी पड़ोसी भी रह चुके हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है दोस्तों, जिंदगी चलती रहे लेकिन उनको याद करना, उन चीज़ों को बना लेनी चाहिए। तो पड़ोसी के साथ में दोस्त भी है। तो मैं आपसे राजेंद्र जी ये पूछना चाहूँगा कि फिल्म नगरी में जब आपने कदम रखा तो कितने साल हो गए हैं और उस बीच में आपने कहाँ कहाँ से क्या चीज़ स्टार्ट की और आपका वो फिल्मी शुरुआत का सफ़र कैसा लगा? देखिए, फिल्मी सफ़र तो संघर्ष का होता ही है, क्योंकि जिस क्षेत्र में हमें नाम, दाम, शोहरत सब कुछ एक साथ हासिल हो वो इतनी आसानी से तो हासिल नहीं होती, इसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। और रही बात आपने जैसा सवाल किया कि कब से, तो ये तो मुझे याद भी नहीं है कब से, क्योंकि जब मैं, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है जब मैं 6 साल का हुआ करता था तो एक बचपन में मैंने एक रामलीला कमेटी बनाई थी जिसमें बच्चों को लेकर के नाटक करता था और बच्चों के नाटक जा करके दूर दूर बड़े बड़े जो मेले होते थे उनमें लोग बुलाते थे और हम बच्चे जा करके कार्यक्रम करते थे। तो हम लोग धनुष वगैरह और ये सब वगैरह बना करके, और तब किसी मुकुट वुकुट खुद ही बना लिया करते थे, और वो मेरी बिगनिंग थी, वो मेरी शुरुआत थी। और उसके बाद लखनऊ रंगमंच में फिर जुड़ गया, एकता की कार्यकारिणी में भी रहा। एकता हमारे देश की एक सम्मानित संस्था है, उसकी कार्यकारिणी में भी रहा, काफी दिन वहाँ सेवा करने का मौका मिला मुझे। इसके बाद कुछ दूरदर्शन के सीरियल वगैरह भी डायरेक्ट करने का अवसर मिला मुझे डीडी के लिए, प्यार करो मगर प्यार से, हम है राही प्यार के, सरगम की दुनिया जैसे कई सीरियल भी मैंने किए। राइटिंग का भी मेरा काम चलता रहा, चूँकि जो मैं डायरेक्ट करता था ज़्यादातर मैं ही लिखता था, तो लगभग 70 नाटक मैंने लिखे हैं, जिसमें 2 नाट्य संग्रह हमारे प्रकाशित भी हो चुके हैं, मार्केट में है, तुमसे ना हो पाएगा और बेबस तिरंगा। तो ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद 2008 में मैंने मुंबई आने का फैसला किया, यहाँ आया। तो यहाँ जैसा कि होता है शुरुआती दौर में मुश्किलें होती हैं, उनका जिक्र क्या करूँ, बहुत सारी झोपड़पट्टी में, शुरुआत में सबसे पहले झोपड़पट्टी में ही रहा, और झोपड़पट्टी से निकल करके और फिर मैं आपके यहाँ तक पहुँचा, आप लोगों के बीच। ये बात मैं राजेंद्र जी आपकी काट के कुछ बोलना चाहूँगा जी। मुंबई एक ऐसा शहर है, ये मैं बॉलीवुड में लेके नहीं बोल रहा हूँ, मुंबई एक ऐसा शहर है इसने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सुरमाओं को यहाँ पना दी है, और उसको वो खजाने लौटाए हैं जिसने थोड़ा वक्त दिया है तो उसको उससे ज्यादा दिया है, जिसने जितना वक्त दिया है उतना उसको यहाँ फल मिला है। और बॉलीवुड एक ऐसा मुकाम है कि जिसने यहाँ पे जितना स्ट्रगल किया है, एक ना एक दिन उसकी जो है वो मेहनत कारगर होती है और रंग लाती है। ये मैं आपका समर्थन करता हूँ, सहमत हूँ पूरी तरह से। ये प्रैक्टिकल तौर पर मैंने देखा है कि जिन लोगों ने वाकई ईमानदारी से, मेहनत से संघर्ष किया है, उन्हें मुंबई में सफलता से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये वो नगरी है जहाँ कला की कद्र है, लोग यहाँ मानते हैं, इज्जत करते हैं। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको दुनिया की कोई ताकत पीछे नहीं छोड़ सकती। बहुत अच्छी और बेहतरीन बात बताई। देखिए क्या है कि दोस्तों, ये मैं एक इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ ना आप लोग को, इंटरव्यू के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। ये वो चीज आपको बताने जा रहा हूँ कि जिंदगी की शुरुआत आप किसी भी शोबे में कीजिए, जरूर नहीं है कि फिल्म आई से। आप कोई भी काम कीजिए, कोई भी स्ट्रगल कीजिए, तो ऊपर वाला आपकी मेहनत को कभी जाया नहीं जाने देता। क्या बोलते हैं? बिल्कुल, बेशक। और एक शेर भी है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप किसी भी मुकाम पे रहिए, किसी फील्ड में भी रहिए, लेकिन आप कोशिश कीजिए अपने काम के प्रति ईमानदारी, बिल्कुल। और ईमानदारी से जब कोई काम करेंगे तो उसमें आप कभी नाकाम नहीं होंगे। तो ये हमारे राजेंद्र जी ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मशक्कत की है, और बहुत ज्यादा अपना जो है बॉलीवुड को टाइम दिया है। तो उसका फल ये मिला है कि आज लोग इनको इनके नाम से पहचानते हैं, इनके काम से पहचानते हैं, और बॉलीवुड में एक इनकी इज्जत, रेस्पेक्ट है। अच्छे अच्छे आर्टिस्टों को इन्हीं ने जो है बनाया है, और बनने के बाद आज वो बॉलीवुड में चहक रहे हैं, महक रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनमें से कुछ चुनिंदा जो आपके वर्कशॉप के आर्टिस्ट हैं उनके बारे में बताइए। देखिए, बहुत सारे में इतना तो शायद गिना पाना इतना पॉसिबल नहीं होगा। बहुत सारे एक्टर हैं जिन्होंने हमारे साथ में काम किया। देखिए, मेरा मानना ये है कि मैं अपने आर्टिस्टों के नाम लूं, उनकी उसका वो करूं तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता। लेकिन इसके बाद भी मैं सिर्फ ये बोलना, आपकी पहचान है ना, ऊपर वाले ने बना दी है। बॉलीवुड में जब हमारा जैसा शख्स आपके पास आ गया, भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल के लिए, तो हजारों मेरे जैसे लोग यहाँ पे लाइन लगाए खड़े होते हैं। ये तो आपकी मोहब्बत और बड़ापन है, और मेरा सौभाग्य है और मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे अपने मुकाम पे बैठाया और इज्जत बख्शी। जो है ये चाहता हूँ कि उन लोगों का नाम, एक दो लोगों का नाम ऐसा नाम बता दिए जो इस पर काम कर रहे हैं और वो आपके आशीर्वाद से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बेशक। अभी बहुत सारे एक्टर हैं, अभी कुछ दिन पहले फिल्म रिलीज हुई थी राजा अब्रोडिया, जिसमें मैं जो मेन हीरो था, राजा अब्रोडिया, अब्रोडिया जी हाँ, देखिए उसका बोले सर, उसका जो मेन हीरो था रॉबिन सोही, वो मेरा आर्टिस्ट रहा है, मेरे साथ में काम किया उसने, बहुत ही समझदार, बहुत ही होनहार बच्चा है। उसके बाद उसकी एकता फिल्म आई जो कि बहुत अच्छा, उसके गाने वगैरह बहुत हिट हुए एकता फिल्म के। अभी लफंगे नवाब रिलीज होने वाली है उसकी कुछ ही दिनों में, तो अच्छा उसने काम किया। आयुष गुप्ता करके एक छोटा सा बच्चा है मेरा, बाल कलाकार, जिसे फ्लिपकार्ट वगैरह के ऐड वगैरह में होल्डिंग्स, पूरे मुंबई में उसके होल्डिंग्स लगे हुए थे, बहुत अच्छा। रणबीर कपूर जी वगैरह बहुत अच्छे एक्टरों के साथ उसने काफी काम किया, अमित जी के भी साथ काम किया, और मतलब अच्छा काम कर रहा है। एक अंशु वास्नी है जो, जिनको ऐड में तो आप लोग देख रहे होंगे, लगभग काफी ऐड उनके बहुत सारे आते रहते हैं। अभी एक सीरियल देख रहे होंगे जीजा जी छत पर है, उसमें पिंटू भाभी का कैरेक्टर याद आ गया, जिसके अंदर वो लेडीज का कैरेक्टर कर रहे थे। हरवीर सिंह, हरवीर सिंह भाई, उनको इसलिए जानता हूँ कि वो भी हमारे काम में नेवर रह चुके हैं। शुरुआती दौर में आप तो हमारे साथ में ही रहे, तो काफी इस तरह से बहुत सारे एक्टर और बहुत सारी एक्ट्रेस हमारे इंडस्ट्री में इसमें काम कर रहे हैं। बस मैं और हमेशा उनको सिखाने के साथ साथ ऊपर वाले से दुआ भी करता हूँ कि वो सब आगे बढ़े, सक्सेस हों। चलिए, ये खुशी की बात है और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक्चुअली मैं आज वर्कशॉप पे आया हूँ राजेंद्र जी के, तो यहाँ पे एक किसी प्ले की तैयारी कर रहे हैं। सर क्या नाम प्ले का? प्ले का नाम है रहस्य, और ये 25 तारीख को इसका शो होने जा रहा है, और मैं चाहता हूँ कि जो लोग आना चाहें आए, लेकिन एक्टिंग के फील्ड वाले लोगों से मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि ये फील्ड दुनिया का सबसे कठिन फील्ड है और दुनिया का सबसे आसान फील्ड है। अब ये निर्भर आप पर करता है कि आप कितने ईमानदार हैं, कितना आपके अंदर धैर्य है, पेशेंस आपके अंदर कितना है, और आप काम के लिए कितना ऑनेस्ट हैं। अगर काम के लिए आप ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, तो इस फील्ड में सक्सेस बहुत आसान है। और ये क्षेत्र मेरी नज़र में, जैसा कि लोग मनोरंजन का साधन मानते हैं, ये हम लोगों के लिए मात्र मनोरंजन का साधन नहीं है, ये हमारे लिए एक इबादत है, एक पूजा है, और हम लोग उस तरह से इस फील्ड में काम करते हैं। ये बेहतरीन और दोस्तों बहुत अच्छी बात बोली है सर ने, वाकई में कि कोई भी आप काम करते हैं तो जैसे मैंने अभी पहले बोला कि ईमानदारी और उस पर सच्चाई होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब बोले ना कि धैर्य, यानी आप कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर जो है कोशिश कीजिए कि अपने आप को कंट्रोल कीजिए, यानी हिम्मत मत हारिए, जितनी आप कोशिश करेंगे उतना आपको ऊपर वाला फल तो देके ही रहेगा। बिल्कुल, समझे? तो दोस्तों आज हमारी ऐसी जो मुलाकात हुई उसके अंदर वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, अभी बहुत सारा मसाला बाकी है। तो सर ये जो अभी आपके जो शो जो अभी इसकी रिहर्सल कर रहे हैं, प्ले होने वाला है, तो ये कितना आपने बताया 25 तारीख को, ये कहाँ पे हो रहा है? ये आराम नगर में ऑडिटोरियम में इसका शो है, आराम नगर ऑडिटोरियम में। हाँ, तो दोस्तों ये 25 तारीख को आराम नगर ऑडिटोरियम के अंदर जो है राजेंद्र तिवारी जी का भी शो का नाम भी बताया, रहस्य, रहस्य, ये सस्पेंस प्ले है, सस्पेंस प्ले है, और बाकायदा इसके अंदर इनके वो सारे आर्टिस्ट हैं जो वर्कशॉप में यहाँ पे अभी एक्टिंग सीख रहे हैं आपसे। और अच्छा एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो ए बी एस एस जो वर्कशॉप है, जो यहाँ पे एक्टिंग सिखाते हैं, उसके ये मालिक भी हैं और सर भी हैं, और भी यहाँ पे कुछ इन्हें लोगों को रखा है ताकि वो इसकी देखभाल कर सकें और लोगों को सही गाइड कर सके, और बड़ी मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, और लोगों को निखारने की कोशिश करते हैं कि उनके अंदर जो दबी हुई चीज़ें हैं वो निकाल के लाए। तो क्योंकि मैं रेसल में बैठा था तो मैंने देखा था कि वाकई में जो यहाँ पे लड़के लड़कियाँ जो रेसल कर रही हैं तो उनके अंदर से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ निकल के आए जो चीज़ लोगों को चाहिए और जो चीज़ आपके दिमाग में वो चीज़ सामने आए। तो इस ये जो आप आर्टिस्टों से निकलवाते हैं एक्टिंग तो कैसे आसानी से निकाल लेते हैं, जरा दर्शकों को बताइए और उन लोगों को भी मालूम पड़े जो लोग ये देख रहे हैं और मुंबई में आना चाहते हैं, फिल्मों में जाना, अपना मुकाम बनाना चाहते हैं और बॉलीवुड के अंदर काम करना चाहते हैं। देखिए मेरा क्या था कि जब मेरा शुरुआती दौर था उन दिनों मैं अगर रिक्शे पर बैठा तो मैं रिक्शे वाले से पूछता था भाई एक्टिंग करोगे, तो हंसता था मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं बोलता था शाम को आ जाओ, तो मैं उसको मैं रिहर्सल प्लेस से बुलाता था। कोई उस समय जब उस दौर में बहुत अच्छी हमारी कंडीशन तो नहीं हुआ करती थी, मैं स्टोव वगैरह घर में बनाने वाला आ गया तो मैं स्टोव वाले से बोलता था भाई एक्टिंग करोगे तो आ जाओ मेरे पास, ऑटो में बैठा ऑटो वाले से पूछता था, जो भी मुझे मिल गया तो उसको बुला बुला के मैं उसको सिखाने के लिए कोशिश करता था और ऐसे लोगों को इकट्ठा करके और फिर मैं शोज किया करता था। तो इससे कहीं ना कहीं मुझे ये सिखाने की का शौक भी हो गया और आदत भी हो गई। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि मैं हमेशा मैं अपने इंस्टीट्यूट में कभी किसी टीचर को नहीं रखता, किसी और को सिखाने के लिए कभी नहीं रखता, मैं खुद ही सिखाता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर जो पेड़ लगाता है उसे जो प्यार होता है अपने पेड़ से वो शायद उसके केयरटेकर को नहीं होगा। अरे बहुत क्या बात है, ये लाइन तो वाकई में ये गोल्डन जो लाइन बोली आपने वाकई में कि जैसे माँ बाप अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, वैसे ही आपने अपने स्कूल को बना के रखा है। जो सर ने लाइन को बोला है कि यहाँ खुद मैं सिखाता हूँ, खुद बताता हूँ, बच्चों को नहीं रखता हूँ, ताकि उसमें कुछ भी कमी अगर होती है तो वो सुधार कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो हीरे जो आपके निखर के आते हैं और निखरने के बाद जब उनको किसी सीरियल में, बॉलीवुड में, फिल्म में या किसी वेब सीरीज में या जो आपके जो स्टूडेंट वगैरह है जिनको एड में काम मिला है, जब उनका वो काम सामने आता है और आप उनकी नज़र उन पर पड़ती है तो उस वक्त आपकी खुशी का क्या ठिकाना रहता है और उनके लिए क्या दुआएं निकलती है, सर बता दीजिए। देखिए ये तो वही होता है कि जैसे माँ बाप को अपने बच्चे ने अगर एग्जाम को बहुत अच्छे नंबरों से पास किया या टॉप किया तो जो प्राउड, जो फख्र माँ बाप को होता है, शायद वही फख्र, वही खुशी मुझे होती है। सही बात है, ये तो दर्द वही समझ सकता है जिसको चोट लगी है। तो एक शेर मुझे याद आ गया कि मुलाजा फरमाएंगे। हाँ, आपकी बात से मुझे एक शेर याद आ गया कि मरते हैं हम पे वो और मरते रहेंगे हम पे वो, मरते हैं हम पे वो और मरते रहेंगे हम पे वो, जीने की चाह में जो कर गुजर गए वो लोग और थे, हाथों में हाथ बांधकर मैं निजाम रह गया। हाथों में हाथ बांधकर मैं निजाम रह गया, जो कर गुजर गए वो लोग और थे। तो जिनको कुछ करना होता है, कुछ आगे बढ़ना होता है तो वो कैसे भी करके बढ़ जाते हैं। उनको जरूरत नहीं है कि वो प्रोड्यूसर के लड़के हो, डायरेक्टर की लड़की हो या किसी बहुत बड़े फाइनेंस के, अगर उनमें वो कलाकारी, अदाकारी है तो सही इंसान के हाथ में लग के आप निकल सकते हैं और आपको बॉलीवुड में काम भी मिल सकता है। और आपसे दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हिंदुस्तान के किसी कोने में भी रहने वाले हैं, अगर कभी अगर आप मुंबई शहर आना चाहते हैं तो एक बार आप राजेंद्र सर जी के उनके वर्कशॉप पे आइए और आने के बाद इनसे मुलाकात कीजिए। बाद में फिर आपका क्या हाल होता है और आपको क्या करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक बार आपको इनका एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने बॉलीवुड को छू लिया। तो उन दर्शकों के लिए आपके लिए क्या पैगाम है जो लोग फिल्म लाइन में स्ट्रगल कर रहे हैं और आना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो उनको किस तरह शुरुआत करना चाहिए, जरा दो लाइन उन लोग के लिए बोल दी है स्ट्रगल। देखिए सबसे पहले इस लाइन में आने से पहले एक चीज जरूर सोच लीजिए कि ये फील्ड इतना आसान नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इतना आसान नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। अगर आपके अंदर एक हौसला है, कॉन्फिडेंस है, ईमानदारी है, आप ईमानदारी से अगर काम कर सकते हैं तो इस फील्ड में बहुत बेहतर है, इससे अच्छा दुनिया में कोई फील्ड नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा काम के प्रति ईमानदार नहीं हैं, अपने इरादे के पक्के नहीं हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आपको ये इस फील्ड में नहीं आना चाहिए। इस फील्ड में सिर्फ मेहनती, ईमानदार और कर्मठ लोगों का, सच्चे लोगों का ही बोलबाला है, यहाँ साधारण लोगों की जगह नहीं है। दोस्तों बात थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन दवा अगर कड़वी नहीं होगी तो शिफा कैसे मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल वही। तो सच्ची बातें और अच्छे गुरु की वाणी और उनकी बातें स्टूडेंट उनके शागिर्द के लिए ऐसी होती है जैसे दवा जो है मरीज के लिए काम करती है। सर ने जो बात बोली ना, तो ये बात में इतना दम है दोस्तों और इतनी खूबसूरत बात बोली कि आप कोई भी काम करते हैं तो उसके दोनों पहलू रखिए। पहली तो ये आप कोशिश कीजिए हर वक्त कि आप पॉजिटिव रहिए कि हमें कामयाबी जरूर मिले। क्यों नहीं मिल रही, किस लिए नहीं मिल रही, क्या बोलते सर? बिल्कुल, क्योंकि कामयाबी और कामयाबी का सेहरा इंसानों को ही मिलता है। ऊपर वाले ने जो हम लोग को पैदा किया है तो दुनिया को, दुनिया के दस्तूरों को, दुनिया की चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए इंसानों को और उसके ऊपर राज करने के लिए भी इंसानों को ही रखा है। तो दोस्तों आप कोशिश कीजिए, अब वो मिले या ना मिले या कम मिले ज़्यादा मिले वो तो आपकी किस्मत है और किस्मत से ज़्यादा और किस्मत से कम तो हो ही नहीं सकता है। तो एक मैं बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि आज बॉलीवुड में आपने अपने वर्कशॉप को जो स्टैंड किया है और यहाँ पे लोगों को एक्टिंग वगैरह सिखाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप सिखाते हैं और काफ़ी बॉलीवुड की हस्तियाँ जो यहाँ पे आती हैं, मैं उस वक्त नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, जब कभी भी मौका आपको मिलता तो भाई इनके वर्कशॉप पे आप आइए और देखिए कौन कौन सी हस्तियाँ आती हैं। हमारे जैसे एक अदना इंसान ने जब यहाँ कदम रखे तो बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी आती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वो सारे लोग मिलने आते हैं, सर की बड़ी रेस्पेक्ट है, बड़ी इज्जत है और वो सारे लोग भी इनकी रेस्पेक्ट करते हैं जो इस वक्त बॉलीवुड में बड़े बड़े किरदार कर रहे हैं। नाम उनका भी नहीं लूंगा जो जैसे एज अ हीरो, एज अ विलन, एज अ मेन लीड एक्ट्रेस, कॉमेडियन, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने भाई वर्कशॉप पे मैं आया तो मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भाई अवार्ड भी रखे हैं और चीज़ें भी देखी और सर से बात भी की। सर एक चीज़ ये बता दिए कि जब कोई इंसान बॉलीवुड में आ रहा है और आना चाहता है और उसके साथ में जो बहुत सारी दुश्वारियाँ लगी हैं तो उसको वो मुश्किलों को छोड़ दे या अपना मकसद पे ध्यान दे, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए मैं एक लाइन में बताऊंगा कि अगर आपको हिमालय पर झंडा फहराना है तो बहुत सारे लोगों से मैं सवाल करता हूँ, भाई हिमालय पर झंडा फहराना है तो आप क्या करोगे? लोग कहते हैं कि मैं सबसे पहले वहाँ जाने का रास्ता पता करूँगा, उसके बाद रास्ते के सफ़र का इंतज़ाम करूँगा, ये कपड़े लूँगा, ये लूँगा, खाने पीने का इंतज़ाम करूँगा, कपड़ों का इंतज़ाम करूँगा, वहाँ सर्दी होगी और उसके बाद फिर मैं घर से प्लान करूँगा कि पहले ट्रेन कहाँ से पकड़नी है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपको हिमालय पर झंडा गाड़ना है तो हिमालय की दिशा में चल दीजिए, बाकी चीज़ें रास्ते में आपको मिल जाएंगी। बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा। तो सर क्योंकि होता क्या है ना कि लोग वो चीजों को अरेंज करने में इतना उलझ जाते हैं कि उनकी लाइफ वहीं खत्म हो जाती है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि हमें चीजों में नहीं उलझना है, हमें मकसद को पकड़ के चलना है। बिल्कुल, हमारा टारगेट क्या है कि भाई जैसे सर ने बताया कि हमें अगर हिमालय पहाड़ पे जाना है तो वो लाइन लेवल मुझे लेना पड़ेगी। वो बात अलग है कि वहाँ दुश्वारियाँ आएगी, ऊपर चढ़ने गिरेंगे, फिर चढ़ेंगे, फिर गिरेंगे, लेकिन हमारा जो रास्ता और टारगेट जो है हिमालय की तरफ होना चाहिए। देखिए दुश्वारियाँ तो आएंगी ही, अगर आप कोई बड़ा काम कर रहे हो, कोई ऐसा काम करने जा रहे हो जो हर आदमी नहीं कर सकता तो मुश्किल तो होगा। अच्छा एक चीज और सर आपसे पूछना चाहूंगा, ऊपर वाले ने आपको इस पर बहुत अच्छा एस्टेब्लिश कर दिया, बहुत अच्छा स्टैंड कर दिया और बहुत अच्छी पहचान और इज्जत भी, शोहरत भी दिला दी है। ये जो अभी लॉकडाउन का टाइम गया था जी, तो इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, इसमें बहुत से लोगों को तकलीफ आई, आर्टिस्टों को भी तकलीफ आई, आम आदमी को भी तकलीफ आई, लेकिन इससे लोगों ने हिम्मत की, कोशिश की, इससे निकले। तो जो लोग अभी भी उससे उभर नहीं पाए हैं और वो हिम्मत कर रहे हैं तो उनके लिए हिम्मत की दाद देने की, यानी उनको आगे बढ़ाने के, उनके लिए कोई संदेश है? देखिए मतलब हाथी तो निकल गया, अब जब पूंछ बची है तो वो भी निकल जाएगी, उसमें कोई घबराने वाली बात तो है ही नहीं। तो क्योंकि वो बड़ा मुश्किल दौर था। जी हाँ, जी हाँ। और मैं इसमें इतना थोड़ा सा ज़रूर कहूँगा कि इसको कहीं ना कहीं कुछ उसका प्रचार प्रसार भी कुछ इतना गलत ढंग से कर दिया गया, इतना ज़्यादा कर दिया गया। मुझे नहीं लगता था कि इस तरह से प्रचार वो किया जाना चाहिए, लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, लेकिन तरीका थोड़ा ठीक होना चाहिए था। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात बोली। तो सर अभी जैसे लोग एक्टिंग में आना, एक्टिंग सुनते हैं, किसी को जैसे होता है कि हमें डायरेक्टर बनना है, किसी किसी को होता है कि मैं मुझे सिंगर बनना है और किसी को ऐसा लगता है मुझे फाइटर बनना है। तो ये डिपार्टमेंट तो है फिल्म लाइन से ही रिलेटेड सर, हाँ, लेकिन इनके डिपार्टमेंट अलग अलग है। बिल्कुल बराबर ना सर। तो अभी जैसे जो लोग दोस्तों में आपको ये इसलिए मैंने नाम लिया है मैंने कि आपको जो इंटरेस्ट है, जो शौक है और जिस चीज़ में आपको ऐसा लगता है कि हमें वो काम करना चाहिए, तो ये बहुत सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट है, जैसे एज ए एक्टर, हाँ, फाइटर, डांसर, डांस मास्टर, हाँ, डांसर वो है जो क्या नाम है डांस करते हैं, और डांस मास्टर जो उनको डांस सिखाते हैं, यानी कोरियोग्राफर। तो इन लोगों ने भी मेहनत की, और राइटर। तो जो भी डिपार्टमेंट में आपको जाना चाहता है आपके लिए। और अभी जो आपका स्टेज शो 25 तारीख को हो रहा है आराम नगर 4 बंगले पे, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा मुझे बताइए सर। देखिए ये जो प्ले होने जा रहा है 25 तारीख को, इसका नाम है रहस्य। ये सस्पेंस प्ले है, ये 1994 में मैंने लिखा था और 1994 का लिखा हुआ मेरा ये प्ले है, जिसको मैं दोबारा करने जा रहा हूँ। यह नाटक एक सस्पेंस नाटक है जिसमें बहुत सारे मर्डर होते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि ये मर्डर आखिर कर कौन है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बाकी तो आप लोग देखिए फिर पता चलेगा। बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया आपने बात बताई है, और मैं आपसे कुछ लोगों के बारे में ये पूछना चाहेंगे, जैसे अपने पुराने आर्टिस्ट हुआ करते थे, जैसे दिलीप कुमार साहब, राज कपूर साहब, सुनील दत्त साहब और रामबाजी, कई एक्चुअली में देखा जाए ये सब हमारे आइडियल की तरह से। बिल्कुल, तो आप बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियाँ जिनका मैंने नाम लिया, जिक्र किया, ये जो अदाकारी करके गए हैं, तो इनसे लोगों को सीखना चाहिए या क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? आपकी अपनी खुद की राय क्या है? वो लोग बहुत बड़े तपस्वी थे, वो कला को पूजा की तरह, इबादत की तरह देखते थे, और हम लोग जो है वो उसी लकीर पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये पूरी तरह से नहीं कह सकता कि हम लोग वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं या नहीं, बस ये है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। बेहतरीन, जबरदस्त, लाजवाब, वाकई में आपके अंदर खजाना भरा है। एक गुरु है, क्लास चलाते हैं, बॉलीवुड के एक्टर पैदा कर रहे हैं, आप बना रहे हैं, तो सारी चीज़ें एक उस्ताद में और एक टीचर में होना बहुत जरूरी है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि ऐसा बॉलीवुड में कौन स्टार है, ऐसा कौन कलाकार या फनकार है जिसकी एक्टिंग को आप भी लोहा मानते हैं और आपका दिल करता है कि उनकी वाकई एक्टिंग जो है फिल्मी जगत में जो नायाब बनते हैं? देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। किसी एक को या एक या दो को इसमें गिनना शायद मेरी क्षमता से परे है। बहुत सारे हैं, मैं बहुत सारे नाम लेना चाहूँगा, जिसमें अगर मैं अपने बचपन की याद करूँ तो संजीव कुमार जी थे जो बहुत अच्छे, दिलीप साहब हमारे, तो मतलब उनको तो भीष्म पितामह कहा जाता है, उनके बराबर तो किसी को गिना ही नहीं जाता है। अभी आज के दौर में भी बहुत सारे हमारे नसीर साहब हैं, आपके आमिर खान जी ने भी, जैसा अभी दंगल फिल्म में आप लोगों ने देखा होगा शायद, दंगल फिल्म में उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया, जो उन्होंने इतना संघर्ष किया, इतनी मेहनत की, और कितना खुद को मोटा कर लेना और फिर से सिमट जाना और खुद को फिर फिट कर लेना, तो मैं समझता हूँ बड़ा चैलेंजिंग काम था जो आमिर खान जी ने किया। ये इतना आसान काम नहीं था, ये जो लोग मेहनत करते उन्हें पता होगा कि वो कितना मुश्किल काम था जो। बहुत अच्छी आपने बात बताई कि हम कौन कौन सी हस्ती का नाम लें या किस को मैं इस पर बताऊँ, क्योंकि किसी एक को बता देना जो है कठिन होगी, क्योंकि हर आदमी अपने आप में फनकार है और हर आदमी अपने हुनर को, अपनी सोच को अच्छी तरह से पहचानता है। तो अच्छा कोई फिल्म बताइए अब तक की जो आपने बचपन से लेकर आज तक देखी हो, जो आपको अट्रैक्ट करती हो और उस फिल्म सारे किरदारों में अपनी काम ऐसी भी बहुत सारी फिल्में हैं, किसी एक का नाम लेना शायद बाकी बहुत सारी फिल्मों की तौहीन हो जाएगी। तो वैसे मुझे जहाँ तक याद है, क्योंकि मुझे बचपन, कहते हैं ना बचपन बहुत प्यारा होता है और बचपन की चीज़ें हमेशा याद रहती हैं, जहन में रहती हैं। तो बचपन में मैंने शोले देखी थी और उसके बड़े हुए हर रिकॉर्ड को टूटते हुए मैंने सुना था। मेरा पूरा जहन जा रहा था और मेरा दिल कह रहा था कि बॉलीवुड की कुछ ऐसी फिल्में आई हैं जैसे शोले हैं, मुगल आजम है और उसके अलावा बहुत सारी, और ये जो बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हुए हैं, दिलीप साहब, राज कपूर साहब और अमित जी जो भी एट प्रेजेंट में, इन लोगों ने जो लोगों को अपना मतलब निश्चित तौर पर अगर कोई फिल्म सफल होती है तो उसमें सभी कलाकारों की मेहनत, ईमानदारी वही झलकती है। और जिस फिल्म में पूरी ईमानदारी नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं मेहनत और ईमानदारी में कमी रह जाती है। मैं समझता हूँ वही फिल्में। कुछ बॉलीवुड के ऐसे लोगों के बारे में आप कुछ उनको राय दीजिए, मशवरा दीजिए, जो लोग फिल्मों में आना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं लेकिन उनको बड़ी मशक्क़त और परेशानियाँ झेलना पड़ती है, तो उस वक्त वो क्या करें? देखिए, अगर आप आना चाहते हैं तो एक चीज़ तो समझ के आइए कि बड़ी सफलता के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ये फील्ड इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हो। इस फील्ड में आने के लिए आपको पूरी ईमानदारी, मेहनत, लगन और पेशेंस की ज़रूरत होती है। इसके बिना आप इस फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते। आप सिर्फ घर बैठ कर के फिल्में देखिए और वहीं बैठ के मनोरंजन कीजिए, लेकिन अगर इस फील्ड में सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनके अंदर हौसला है, हिम्मत है, ताकत है, पेशेंस है। इस फील्ड में सिर्फ वही लोग सक्सेस होते हैं। इसलिए अपने आप को इस कसौटी पर परख लीजिए। अगर आप खुद को खरा मानते हैं तो मुंबई आपकी है, यहाँ कला की कदर होती है और जो कलाकार है, जो फनकार है, उसे सफलता से यहाँ कोई नहीं रोक सकता। बहुत आपने बांध दिया, ऐसा मौसम बांध दिया कि साहब मैं भी बन गया हूँ। आपके सामने मेरे सवाल, दर्द जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो मेरी समझ से ये जो अभिनेत्रियां या जो लड़कियां एक्टिंग के फील्ड में आती हैं, वो मेरी नज़र में तो एक देवी की तरह होती है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि समाज अभी इतना ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ है जो उनकी भावनाओं को, उनके भावों को समझ सके। लोग तरह तरह के लांछन लगाते हैं, उन पर ब्लेम करते हैं, तमाम तरह की चीज़ें उन्हें उल्टी सीधी कहते हैं, लेकिन वो बिना किसी परवाह के अपनी इबादत में, अपनी तपस्या में, अपनी कला में लगी रहती हैं। और कितनी मुश्किलों के बाद, कितने लोगों के कमेंट सुनने के बाद, कितनी परेशानियों को झेलने के बाद एक दिन वो मुकाम हासिल करती हैं। तो हम किसी एक के बारे में टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? क्या बात है जनाब, बेहतरीन, ज़बरदस्त, लाजवाब। वाकई में किसी एक को बोल के सारे लोगों का दिल नहीं तोड़ सकते, इसलिए सबकी तारीफ करना जरूरी। चैनल है जो आपने भी देखा होगा, बिल्कुल बॉलीवुड से रिलेटेड ही है, बिल्कुल चैनल। तो उसके बारे में अगर आपने देखा है तो ऑडियंस को मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं। बिल्कुल, देखिए निजाम जी का जो यूट्यूब चैनल है वो बॉलीवुड से ही रिलेटेड है और उससे ही रिलेटेड सारी चीज़ें, उससे संबंधित आप उस फील्ड में क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, इसमें कैसे काम होते हैं, कैसे सीरियल्स बनते हैं, कैसे, तो वो उसके सारे डिटेल्स पर उसके शॉर्ट फिल्में बनाते हैं निजाम जी। तो आप लोग ज़रूर देखिए और मैं निजाम जी को शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ दोस्तों, मेरा आपको तो मालूम है यूट्यूब चैनल पे बॉलीवुड से रिलेटेड ही रहता है। इसमें बॉलीवुड की वो सारी हसीन तरीन चीज़ें दिखाई जाती है जो आप देखना चाहते हैं, नज़दीक से महसूस करना चाहते हैं। मैं अक्सर बताते रहता हूँ, हर डिपार्टमेंट को लेकर चलता हूँ और हर डिपार्टमेंट की मैं इंक्वायरी भी देता रहता हूँ। तो दोस्तों, अब मेरा विदा लेने का टाइम भी हो गया है और सर के भी, रिहर्सल का भी टाइम है क्योंकि इनका एक प्ले चल रहा है। तो जाने से पहले मैं आप लोग को दोस्तों एक बात बोलना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब किए। और मेरे चैनल का नाम तो आपको मालूम होगा, मेरे चैनल का नाम है सर मूवमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निजाम खान। तो दोस्तों ये आज इतना अच्छा और इतना बेहतरीन इंटरव्यू जो मिला है वो सिर्फ इनकी मोहब्बत है और इनका प्यार है। तो आप लोग से मेरी गुजारिश है, ये हिंदुस्तान के जिस कोने से भी, वर्ल्ड के जिस कोने से भी लोग आप देख रहे हो या जहाँ से भी और बॉलीवुड में आना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं या उनको कुछ सीखना है एक्टिंग वगैरह कुछ इस तरह से, तो आप कोशिश कीजिए कि सही दिशा, सही इंसान, सही वक्त, सही पते तो सही इंसान से मुलाकात कीजिए। तो मैं ये आप लोग को एक आगाह दूंगा और एक बात बोलूँगा कि आप जिस शहर से भी है, मुंबई में कभी भी अगर आते हैं और बॉलीवुड में कदम रखना चाहते हैं और कुछ नॉलेज नहीं है तो एक बार जो है सर के वर्कशॉप पे आइए और आने के बाद जो है आप उनसे मिलिए, मिलने के बाद आपको ये गाइड करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कलाकारी, अदाकारी है तो आप बेशक अपने नाम दौड़ पड़िए। और अगर आपको ऐसा लगता है कुछ हमें सीखना है तो मैं दोस्तों आपको एक राय दूंगा, एक मशवरा दूंगा कि सर के वर्कशॉप पे आप आइए और आने के बाद जो है इनसे मुलाकात कीजिए और वो एक्टिंग सीखे यहाँ पे। और सीखने के बाद आपको खुद ऐसा लगे हमें क्या आ गया। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा दोस्तों, जो लोग भी अगर सर के वर्कशॉप पे आएंगे और आने के बाद जो है वो सर से जो सीखते हैं और अगर हमारा नाम रिकमेंड करेंगे तो मैं सर से एक बार आपके जो भी यहाँ पे अमाउंट हो उसके लिए मैं एक बार रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा। लेकिन शर्त यह है कि आप पहले कोशिश कीजिए, हिम्मत कीजिए, बात शर्तों से नहीं मोहब्बत से होती है। और इस वक्त सर का वर्कशॉप बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन चल रहा है, मैंने खुद देखा इसके अंदर 10-22 फुल रिहर्सल में लगे अपने अपने किरदार को पहचानने कर रहे हैं और वो रिहर्सल कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा ये 25 तारीख का शो जो है आराम नगर का कामयाब हो जाए। तो दोस्तों जो लोग मुंबई से हैं तो अगर आपके पास टाइम हो तो ये 25 तारीख को आराम नगर में है, कितने बजे सर? 7 बजे ये शो को आप लोग देखिए और देखने के बाद इनसे मुलाकात कीजिए। और ये एक ऐसा वर्कशॉप है जो बॉलीवुड की हर खबर दर बदर एक एक इंच की आपको सारी चीजें सिखा के रहेगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई मुझे। फिर मौका ऊपर वाले ने दिया तो आपसे जरूर मुलाकात करेंगे और जल्दी आपसे मिलेंगे। जरूर। केस के सिलसिले में अजय से बात करना चाहता हूँ। बाबूजी वाला केस ना, आप मुझसे बात कर सकते हैं? जी नहीं, ये दूसरा केस है, दूसरा मर्डर केस। दूसरा मर्डर केस? जी हाँ, दूसरा मर्डर केस। जगदीश चंद्र सक्सेना उर्फ जग्गू की हत्या कर दी गई है। तो क्या जग्गू की हत्या? भैया ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आप लोगों ने तो कानून को मजाक बनाकर रख दिया। वहां विजय को अंदर बंद कर दिया है और अब? मोहतरमा, चीखने और चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अजय के परिवार से संबंधित हर किसी पर शक है मुझे। लेकिन इस परिवार का क्या संबंध हो सकता है जग्गू से? सबसे बड़ा संबंध तो यह है कि विजय जग्गू का दोस्त था और जग्गू की हत्या भी उसी जहर से की गई है जिस जहर से बाबूजी की हत्या हुई थी। इसका मतलब विजय भैया छूट जाए क्योंकि अब तो तुम निर्दोष साबित होंगे। जी नहीं, मुझे तो शक है कि सारे खत्म, मेरा मतलब है ये दोनों खत किसी और के इशारे पर हुए। कोई और आदमी? और कौन हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? जो भी हो, जल्द ही सारा रस खुल जाए। वैसे आपने बताया नहीं कि अजय कहाँ गया? इंस्पेक्टर साहब, बाबूजी का गम अजय भैया के दिमाग पर इतना बुरी तरह से बैठ गया कि वो पागल हो गए। वैसे कोई नई चाल है? इंस्पेक्टर साहब, आप डॉक्टर माथुर से फोन पर बात करिए। वैसे आप किस आधार पर भैया पर शक कर रहे हैं? शक का आधार तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, जग्गू के घर से निकलते जिस आदमी को पास के खड़े ठेले वाले ने देखा, उसने जो हुलिया बताया वो अजय से हूबहू मिलता है। क्या एक हुलिये का मिलता जुलता कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता? तभी तो शक कर रहा हूं, वरना वारंट हाथ में ना होता। चलता हूं, अजय बाबू की तलाश कर ली। जग्गू का खून करने की क्या जरूरत है? शायद रही होगी कोई वजह, जरूरत तो नहीं है, लेकिन जिस समय वो यहाँ से गए थे वो तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा क्या किया है जिससे आपको लगता है कि? वैसे कुछ खास नहीं, लेकिन हर बार दीवार की तरफ झपटते थे। कह रहे थे वो काली छाया आ रही है, मुझे मार डालेगी, मेरे बेटे को मार डालेगी। बीच बीच में मुझे कहते कि तुम डरो मत, तुम्हारे पास काली छाया नहीं आएगी, मैं हूं ना। देखिए, उन्हें चिंटू का गम तो है ही और दूसरा बाबूजी का, इसीलिए तो वो पागल हुए। इस पर भी वो ये कह रहे थे कि तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास। इसका मतलब उन्हें कुछ तो होश है ही। हाँ, पर अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे लगता है इस घर की चारों ओर से किसी षड्यंत्र की बू आ रही। ये तुम कैसे कह सकती? अब देखिए, पहले चिंटू नहीं रहा, फिर बाबूजी, और फिर बाबूजी के मौत का इल्जाम विजय पर आ गया, जबकि विजय निर्दोष है। ये तुम क्या कह रही हो? सारे सबूत तो विजय को ही दोषी साबित कर रहे हैं। हाँ। लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं। अब सारे सबूत विजय को दोषी साबित कर रहे हैं तो इसमें किया भी तो कुछ नहीं जा सकता है। वो जो सज्जन अभी बाहर गए थे, क्या ये उनका घर है? मैं उन्हें देख के छुप गया था। ये तुम्हारा घर है अजय? फिर आप लोग कौन हैं? ये देखो, मेरा बेटा मिल गया है, मैं उसे काली छाया से बचा रहा हूं। अब पूरा परिवार नष्ट हो गया, बेटा नहीं रहा, बाबूजी मर गए, एक भाई था वो भी। धीरज रखो अजय। कहाँ तक धीरज रखो डॉली? आखिर मैं भी एक इंसान हूं, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती। अजय, सब्र से काम लो, जो होना था वो तो हो ही गया, अब परेशान होने से क्या फायदा? वो टाल सकता है वो जिसकी चौखट में अजय विक्रम सिंह सारी जिंदगी अपना माथा देखता रहा। मैं बीमार भी रहा, लेकिन उसकी चौखट पर जरूर गए। मैं पूछना चाहता हूं उस भगवान से, बता मेरी कथा क्या है? दोस्तों, अब मेरा विदा लेने का टाइम आ गया। नेक्स्ट टाइम फिर कुछ नई चीज़ लेके आएंगे बॉलीवुड की। जब तक कि आप लोग इंतज़ार कीजिए उस एक्टर से सीखे, इसने जो अभी लाइव मुझे एक्टिंग करके दिखाई। तो तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं। दोस्तों, मेरे वीडियो को ऐसे देखते रहिए, लाइक किए, सब्सक्राइब किए। ओके, बाय।